नमस्कार, मैं हूं विष्णु प्रभाकर। और सबसे पहले आप सब लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2018 का आगमन हो चुका है और 2017 में बहुत सारी यादें जुड़ी है लोगों को। कुछ लोग 2017 को भूल नहीं सकते हैं, जैसे नोटबंदी को नहीं भूल सकते हैं, जीएसटी को नहीं भूल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, युवा लोग हैं जो देश के भविष्य को तय करने में अपना अहम रोल निभाते हैं। हम हैं इस समय एशिया के सबसे बड़े ठोकर भीड़भाड़ ठोकर पे, जो सिर्फ सुना जाता है। नज़ारा आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत हरियाली आज आप लोग को दिख रही होगी। वो इसलिए दिख रही होगी कि आज नया साल है, कुछ लोग जश्न मनाने आते हैं, दारू पीने, मुर्गा खाने और चिकना खाने। सिर्फ एक साल में एक दिन इस ऐतिहासिक जगह का यूज होता है। और सरकार बीजेपी के है और हिंदू वाहिनी के जिला तहसील के प्रभारी हमारे साथ हैं, कुणाल राव जी, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों सहित आपको भी बहुत बहुत नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। सरकार आपकी है और यह क्षेत्र भी आपका है और यह एशिया का सबसे बड़ा ठोकर है, फिर भी इसकी हालत ऐसी है कि जैसे वीराने में कोई महल रखा हो, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा ठोकर या भीड़भाड़ ठोकर राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित। पिछली सरकार ने इसको शमशान घाट के रूप में सवारने का काम करने का प्रयास किया था, लेकिन क्या कारण है ये जांच का विषय है कि यहाँ 75 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार के देने के बाद भी यहाँ न सौदागरी बन सका, न महाकाल की भव्य मूर्ति की स्थापना की भी योजना थी। ये सब योजनाएं अधूरी रह गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक निश्चित तौर पर हम सबके आशा की किरण उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर। अब तो सरकार आपकी है और मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ 5 साल तक आपकी सरकार रहेगी, तो क्या उम्मीद कर सके कि इन 5 सालों में इसका निर्माण हो जाएगा? 5 साल का समय आप अधिक बता रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की 9 महीने की योगी जी की सरकार, जहाँ वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, काशी, चित्रकूट, अन्य धार्मिक जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य कर रही है, यह एशिया का सबसे बड़ा ठोकर जो माता हम सब शक्ति की देवी स्वरूपा माँ दुर्गा का भी यह स्थान है, इसका भी जीर्णोद्धार होगा। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ विकास किया जाएगा। हिंदुस्तान की आज हालत यह हो चुकी है कि अंग्रेजी सभ्यता में घुसता जा रहा है और हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की शुभकामनाएं, जो नया साल मेरे हिसाब से आज नहीं है हिंदू धर्म के हिसाब से, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे कहने मतलब है कि हिंदू धर्म का जो भी सत्र शुरू होता है वो चैत्र रामनवमी शुरू होता है, और ये ईसाइयों का धर्म है, चूँकि मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, अब हम लोग हिंदुस्तानवासी हैं और हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो कुल मिलाकर के अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पहचानना चाहिए। ये 1 जनवरी केवल आज के युग में मतलब एक तरह का फारेरा टाइप में ईसाइयों का वो है, इस चीज़ को मनाया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। और हिंदू धर्म, हिंदू होने के नाते मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी भाई अपना हिंदू है, इसे अपने धर्म से, अपने संस्कृति से, और इसे चैत में जो मार्च होता है, मार्च के महीने होता है, उससे प्रारंभ करें और उसको आगे बढ़ावे, न कि इसको। मुझे तो यह लग रहा है कहीं ना कहीं हम अपने हिंदू संस्कृति को खो रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग हैं कैमरा मैन, तो चाहूँगा दिखाएं जरा। हेलो, कबाब बन रहा है, दारू भी है इसमें? बहुत सारे युवा बैचलर हैं आज, जो घर में कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं पिए हैं, आज मीट बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। उनको ये ही नहीं पता है कि हमारा हिंदू धर्म क्या है और नया वर्ष की शुरुआत हिंदू धर्म में कब होती है। जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था आपसे कि यह इनका केवल इंजॉय का वो दिन है कि वो सोचते हैं कि 1 जनवरी आ गया, मैं इंजॉय करूं, और घर से निकलते हैं तो ये केवल मतलब अपना इंजॉय में दारू वगैरह जो भी कुछ है इनका खाना पीना, जिससे यह कि नई पीढ़ी जो आ रही है इससे बर्बाद हो जाएगी। बात समझ रहे, इससे नई पीढ़ी बर्बाद होगी। अगर अपने हिंदू धर्म से चलेंगे तो हर चीज़ सिस्टम से रहेगा और वह आगे चल के अच्छा काम करेगा, न कि यह काम करेगा। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं 2G, 3G और 4G जनरेशन से बदलाव हो रहा है और एंड्रॉयड से दुनिया चल रही है, दोस्ती फेसबुक पे हो रही है और गूगल से प्यार बढ़ रहा है। तो यही कह सकता हूँ मैं कि हमारे देश की, हिंदुस्तान की संस्कृति खतरे में है।